दोस्तों इस समय चल रहा है रोपनी का समय और हम आ गए हैं आप खेत में और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे कैमरा थोड़ा सा घुमाइए और देखिए हमारे कुछ माता जी लोग हैं जो रोप रहे हैं। और चाचा जी कब से ही रोपनी होता? अरे बड़ा है 22 रोपनी। अच्छा अच्छा ये 10 साल 22 भाई लिखना है 22 ना भाई लेना। अच्छा तो कहा है ना कुछ गाओ लोगों ना कजरी वजरी थोड़ा सा इकट्ठे हो जाए कजरी तन गावा। अरे कहा है सुन सान पहले तो लोग जो ना अथवा रोपनी करे तो गावे हुए लोग। अच्छा बारिश होके तो गावे सर ये का मूड बनेला ना जब बारिश होला तो जो है ना कि सब गाँव शुरू कर ला। का एको लाइन याद है चाची? एको लाइन याद बा? अरे तो हमके देखिए दोस्तों इस समय हम लोग नए जमाने के लोग हैं और जितने भी हमारी दादी लोग हैं यानी कि आजी लोग हैं वो लोग जान रहे हैं कजरी वजरी जान रही होंगी। इस समय जब भी ये रोपनी होती है सावन के महीने में सीधा कर सावन के महीने में जब भी रोपनी होती है बारिश होता है तो जितनी भी माता लोग हैं होती हैं और उसके बाद आजी लोग ये लोग जो है कि रोपती हैं और कजरी गाती हैं। देखिए ये आटा आपको देख रहे होंगे और ये देखिए रोपा गया इसी तरह से रोपा जाता है। और कैसे चाची एक ही गाड़े लो लोग थोड़ा सा दिखावा एक बार तो ये अंदर सिर्फ धसा के या छोड़ दे क्या कि मिट्टी उट्टी भी मन लगाओ लोग। अच्छा 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 ऐसे ही गाड़ा थो लोगों तो ऊपर ना और धक्का भी हवा हाँ अंदर एकदम तो ये तो हाथवा दुख जात हो। देखिए दोस्तों अच्छा एक अमोक दिया अच्छा अच्छी तो अमोक गाड़ के देखिए तो अच्छा इतना गाड़ना है अच्छा इसमें से दो ठो बनाना है दोस्तों। देखिए ये हो गया तो हमारे की गाड़े के इतना बड़ा समय लगी। देखिए अब बड़ा जमीन नीचे है भाई अब पता नहीं ये धरेगा कि नहीं धरेगा दोस्तों। नहीं धरेगा तो जो खेत वाला रहेगा वो कुछ बोलेगा ही कि कैसे रोप के चली गई इन लोगों को। चलिए ऐसे एक ये लोग धसा देते हैं और इसका जो शोर होता है ये खेतों को पकड़ लेता है। देखिए जो शोर होता है इसका अब तो एक नई टेक्निक आ गई है इसको बोने के लिए अब लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब कि मशीन का यूज कर रहे हैं। अब इन लोगों का भी देखिए कजरी स्टार्ट हो गई है उसके बाद बताते हैं। का लाइन रहा चाची थोड़ा सा साफ बताओ समझ ना पहले यार।
अच्छा 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 जी, आप रुक जा रही है, आ जा आइए आइए थोड़ा से। देखिए ये कजरी थी और ये लोग गा रहे हैं इस समय हमारे कहने पे। हालांकि ये दोस्तों मजदूर यानी कि ये एक परंपरा है हमारे भारत में कि किसी भी किसी का खेत रहे तो कुछ लोग कुछ अनाज दे दिया जाता है इन लोगों को, और ये लोग हर खेतों में जाकर अपना जिसका हम जाना थी तो जैसा जैसा जिसका माफ होता है उस तरह से वो अपना लेते हैं लोग। एक बीघे पे कुछ ऐसा माफ होता है, लोग जाकर जो है कि एक दूसरे का पहले हेल्प करते थे, जिसके साथ कोई अगर जिसके घर में कोई नहीं रहता था तो ऐसे मतलब कि कुछ अनाज ले लेते थे लोग और जाके उनके खेतों में बो देते थे, ये रोप देते थे, रोपनी कर देते थे। उसी तरह यह परंपरा चल गई और लोगों ने जो है कि रोपवाना शुरू कर दिया। तो दोस्तों हालांकि ये खेत इन्हीं लोगों का है, ये लोग रोप रहे हैं, और उसी समय जब रोपती थी ये लोग तो उसी समय पहले बारिश बहुत ज़्यादा होती थी। अब हम लोगों ने जो है कि पेड़ को काट दिया और अपना जीवन खुद ही नष्ट कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा अपना जीवन दोस्तों खुद ही नष्ट कर रहे हैं और पेड़ को काट कर, और अब बारिश कम भइल बा तो ये कितना दिन में पकड़ ले? अच्छा 10 दिन में दोस्तों ये जो है कि पकड़ लेगा। हम बैठ जाते हैं, ये 10 दिनों में यह पकड़ लेगा और इसको लगातार पानी चाहिए। ये धान ऐसा कौन सा धान बोते हैं आप लोग? कौन धान है ये? दतरिया धान कोई दोस्तों है? आप कमेंट करके बताइएगा, अगर आप ऐसे अगर पहचान रहे होंगे तो आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमें तो इतना अंदाज़ा नहीं है। और हाँ हालांकि मैं भी देहात में रहता हूँ लेकिन ये काम हमने नहीं किया है और इसकी इतना जानकारी हमें नहीं है।